नमस्कार, गोड्डा झारखंड न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं अब 9 मार्च से नहीं होगी। अब ये परीक्षाएं अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। झारखंड में 9 मार्च से होने वाले इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षाएं टाल दी गई है। अब ये परीक्षाएं अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। परीक्षा की नई तारीख को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की एक अहम बैठक बुलाई गई है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल मई तक कराई जा सकती है। अप्रैल मई में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं एक साथ होंगी। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी, वहीं दूसरी पाली में इंटर की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। किसान 50,000 तक लोन माफ कराने के लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक के बैंक कर्ज की माफी की घोषणा की है। चालू वित्त वर्ष में अब इस पर काम शुरू हो गया है। बीते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की अहम घोषणा के बाद बुधवार से ही सभी जिलों में एक साथ किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोड्डा झार न्यूज के जितने भी श्रोतागण हैं, आपने भी अगर कृषि लोन लेके रखा है तो आपका भी बोझ हल्का होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो नीत महागठबंधन सरकार के एक साल पूरे होने पर 29 दिसंबर को इस बड़े फैसले का ऐलान किया था। किसान कर्ज माफी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से सभी रैयत और गैर रैयत के 50,000 रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। झारखंड के गिरिडीह और खूंटी में खुलेंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज, जल्द केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। झारखंड में 2 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को स्वास्थ्य सचिव के सोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए गिरिडीह में कलेक्टर भवन के पास 20 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई है, जबकि खूंटी में शहर से 20 मिनट की दूरी पर 24 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई है। उन्होंने बताया कि जमीन अधिग्रहण के बाद इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी। ये केंद्र सरकार को तय करना है कि वहां के मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें होंगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि गिरिडीह में चिन्हित जमीन अभी CCL के पास है। CCL ने NOC को लेकर बातचीत हो गई है। DC से जमीन का ब्यौरा मिलते ही CCL को NOC के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। CCL ने NOC मिलते ही इस सिलसिले में भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं खूंटी की जमीन अगले 15 दिन में स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर हो जाएगा। इसका अधिकार DC के पास ही है। खबर है झारखंड के धनबाद से। CTET की परीक्षा धनबाद के 17 केंद्रों पर होगी। 10,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय समेत CBSE स्कूलों में शिक्षक बनने की जरूरत अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET का आयोजन रविवार को होगा। CTET के लिए धनबाद में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दोनों पालियों को मिलाकर यहां 10,000 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगी। प्रथम पाली में 10,104 तो दूसरी पाली में 8,820 छात्र शामिल होंगे। ममता बनर्जी को JMM का जवाब, कोई हम पर एहसान न जताए, हम खैरात नहीं मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि उसकी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से कोई नाराजगी नहीं है। झामुमो की असली लड़ाई भाजपा से है। गौरतलब है कि गुरुवार को झारग्राम में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की रैली पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को कहा कि ममता बनर्जी से नाराजगी नहीं है, लेकिन कोई हम पर एहसान नहीं जताए, हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि झामुमो 30 से 35 सीटें उम्मीदवारों को उतारने के लिए चिन्हित कर रहा है। कुछ जन संगठनों और दलों के साथ मिलकर झामुमो प्रत्याशी देगा। तृणमूल कांग्रेस से फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने पर हाई कोर्ट नाराज। मुख्य सचिव से पूछा, कैसे होती है चिकित्सकों की लाइसेंस की जांच। झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव से पूछा है कि राज्य में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सक अगर झारखंड मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं है तो एक ऐसे चिकित्सकों के लाइसेंस और क्रेडेंशियल जांच के लिए सरकार के पास कौन सा तंत्र है। राज्य में फर्जी चिकित्सकों को चिन्हित करने का क्या उपाय है। राज्य में कितने ऐसे चिकित्सक हैं जिनका झारखंड मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और सरकारी अस्पताल में वे अपनी सेवा दे रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी 4 सप्ताह में मुख्य सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में दाखिल करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। झारखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे आरक्षित वर्ग के छात्रों को 1.5 साल से नहीं मिली है छात्रवृत्ति। झारखंड के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के छात्रों को 1.5 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। सन 2019-20 में छात्रों के कल्याण विभाग के ई कल्याण पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया था, पर 1.5 साल बीत गए लेकिन अभी तक निर्धारित राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। नए सिरे से सन 2020-21 की छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर दिया गया है। अब छात्रों को डर लगने लगा है कि वर्तमान सत्र की अगर राशि आ जाएगी तो पिछले सत्र की राशि को पेंडिंग कर दिया जाएगा। ऐसा अगर हो गया तो छात्र अगले सत्र में नामांकन नहीं ले पाएंगे। गोड्डा झार न्यूज के जितने भी श्रोतागण हैं, अगर आप भी इस छात्रवृत्ति के हकदार हैं तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति के तहत आरक्षित वर्ग के छात्रों को 8,000 से 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति हर सत्र में मिलती है। छात्रों ने इस संबंध में झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री चंपई सोरेन के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि वे अगले सत्र में नामांकन एवं अन्य शुल्क नहीं दे पाएंगे। छात्रवृत्ति की राशि से कॉलेज प्रबंधन शुल्क को एडजस्ट करते थे। कल्याण मंत्री को इस समस्या से अवगत कराते हुए छात्रों ने जल्द ही से जल्द इनकी समस्या का समाधान करने की मांग की है। खबर है झारखंड के रांची से। कोचिंग संचालकों की गुहार है, बच्चों के भविष्य के लिए कोचिंग खोलने की इजाजत दे सरकार। झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जायसवाल, मदन मोहन कुमार, प्रणव कुमार एवं अन्य निजी कोचिंग संस्थाओं के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से भारतीय जनता मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी से उनके कार्यालय में भेंट कर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद धर्मेंद्र तिवारी ने उन सबको आश्वस्त करते हुए कहा कि आपकी सभी जायज मांगों को मैं अपने स्तर से सरकार एवं सरकार के वरीय पदाधिकारियों तक पहुंचाते हुए उन समस्याओं का निराकरण हेतु हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए राज्य सरकार को तुरंत कोचिंग क्लास खोलने की इजाजत देनी चाहिए। धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि लगभग साल भर से राज्य के सभी निजी कोचिंग संस्थाओं के बंद होने से उनकी माली हालत अत्यधिक खस्ता हो गई है। खबर है झारखंड के सरायकेला खरसावां से। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 8 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर पशु चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर प्रद्युमन कुमार स्वाई ने किसानों से 8 फरवरी तक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन देने की अपील की है। डॉक्टर स्वाई ने बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत गो पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन एवं बत्तख पालन आदि महत्वाकांक्षी योजना शामिल है। उन्होंने बताया कि किसान पशुपालन कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर आवश्यक कागजात के साथ 8 फरवरी को कार्यालय में आवेदन करें ताकि आगे किसानों के चयन संबंधी कार्य हो सके। डॉक्टर स्वाई ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना किसानों के आय वृद्धि के लिए बेहतर योजना है। जो किसान पशुपालन को अपनी आजीविका के रूप में लेना चाहते हैं वैसे इच्छुक किसान निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। खबर है झारखंड के गोड्डा से। गोड्डा से मार्च से शुरू होगा यात्री रेलगाड़ी का परिचालन। गोड्डा के लोगों को रेल से सफर करने का सपना मार्च माह में पूरा होने की उम्मीद है। गोड्डा हजिया रेलखंड में मालगाड़ी के ट्रायल के साथ ही यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। पूर्व रेलवे की ओर से यहां यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के लिए जोर शोर से कवायद जारी है। तेजी से काम किया भी जा रहा है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि फरवरी माह में CRS का काम पूरा हो जाएगा। वहीं मार्च माह के प्रथम सप्ताह में ही प्लेटफॉर्म निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। विभाग की माने तो यह दोनों कार्य अंतिम चरण में है। फिलहाल प्लेटफॉर्म भरने का काम तेजी से किया जा रहा है, जबकि हाई स्पीड रेल परिचालन के लिए 260 मीटर लंबी पटरी लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। बीते गुरुवार को कार्य का निरीक्षण करने आए पूर्व रेलवे के मुख्य अभियंता राजीव गुप्ता ने निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों को निर्देश दिया कि जितनी जल्द हो सके कार्य को पूरा किया जाए। रेल प्रशासन यहां मार्च माह में नियमित रूप से यात्री रेल गाड़ियों का परिचालन शुरू करना चाह रहा है। वहीं पर गोड्डा के गांधी मैदान में लाइट की मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। यहां सामान्य दिनों की तरह अब कृत्रिम लाइट से डे एंड नाइट खेलकूद प्रतियोगिता खेली जा सकेगी। इसके लिए गांधी मैदान में 4 टावर लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक में 24 लाइट लगाई जा रही है, जबकि इन टावरों पर 6 और लाइट का प्रावधान करके रखा गया है ताकि लाइट की कमी होने पर उसे भी पूरा किया जा सके। खबर है झारखंड के रामगढ़ से। जरूरतमंदों को सरकारी योजना का लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता है, सीता सोरेन ने बात कही। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों लोगों को मिले यह सरकार की प्राथमिकता है। वर्ष 2021 यहां के युवाओं के लिए नौकरियों का भी वर्ष माना गया है।
उक्त बातें शुक्रवार को रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय में आयोजित विकास उत्सव मेला में जमा विधायक सीता सोरेन ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार यहां के लोगों की सरकार बनी है, इसलिए अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचेगी। सीता सोरेन ने कही कि हेमंत सोरेन ने कोरोना काल में यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए काफी काम किया। लॉकडाउन के दौरान जब यहाँ के मजदूर बाहर फंसे हुए थे तो उन्हें हवाई जहाज द्वारा रांची लाया गया तथा उनके घर पहुँचाया गया। 8 माह में मुख्यमंत्री ने बेहतर काम किया, जिसके कारण राज्य में कोरोना काफी कम फैला। राज्य सरकार खेल के क्षेत्र में भी काफी काम कर रही है। राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 35 खिलाड़ियों को राज्य में नौकरी के लिए निमंत्रण दिया गया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए पंचायत स्तर पर स्टेडियम बनाया जाएगा। उन्होंने अंत में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। ममता बनर्जी को जेएमएम का जवाब, कोई हम पर एहसान न जताए, हम खैरात नहीं मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि उसकी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से कोई नाराजगी नहीं है। झामुमो की असली लड़ाई भाजपा से है। गौरतलब है कि गुरुवार को झारग्राम में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की रैली पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को कहा कि ममता बनर्जी से नाराजगी नहीं है, लेकिन कोई हम पर एहसान नहीं जताए, हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि झामुमो 30 से 35 सीटें उम्मीदवारों को उतारने के लिए चिन्हित कर रहा है। कुछ जन संगठनों और दलों के साथ मिलकर झामुमो प्रत्याशी देगा। तृणमूल कांग्रेस से फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान का पार्टी के विधायक दीपिका पांडेय ने किया विरोध। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के खिलाफ कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर आपत्ति जताते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर विरोध जताया है। रांची में बिहारियों के कब्जे से संबंधित प्रदेश अध्यक्ष के बयान का विरोध करते हुए विधायक दीपिका पांडेय ने ट्विटर पर लिखा कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की सोच है, कांग्रेस की नहीं। भारतीय इतिहास के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज भी जोड़ने में विश्वास रखती है, न कि तोड़ने में। जब भारत एक है तो इसके हर राज्य, हर जिले, हर धर्म जाति के लोग भी एक हैं। विधायक ने इस ट्वीट को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और RPNC के साथ साझा किया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू व सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शनिवार को पुण्यतिथि था। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर वहां कई टना भक्त भी उपस्थित थे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।